चुड़ैल। गोरखपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। उस गांव में एक गर्भवती विधवा औरत रहती थी। उस औरत का नाम कमला था। कमला अपने घर में अकेली रहती थी। उसके पति की सारी जायदाद उसके नाम हो गई थी, पर सभी गांव वाले उस औरत को मनहूस औरत समझा करते थे और सभी उससे नफरत किया करते थे। एक बार कमला राशन की दुकान पर खाने का सामान खरीदने जाती है। भैया जी, जरा 1 किलो दाल चावल देना। अरे हाय 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 हाय, अरे मनहूस औरत मेरी दुकान में अपशुकन करवाने आ गई क्या है? चल जा यहाँ से, मैं कुछ नहीं देने वाला तुझे। भाग भाग यहाँ से, चल जा निकल। भैया जी ऐसा मत कहिए, मैं गर्भवती हूँ, मुझे खाने की बहुत जरूरत है, मुझे खाना दे दीजिए। दुकानदार कमला को वहाँ से धक्के मारकर भगा देता है। तभी कमला रोते रोते उस गांव के किन्नरों के इलाके में आ जाती है। गांव वाले किन्नरों को उसी इलाके में रखा करते थे, क्योंकि वो लोग किन्नरों को पसंद नहीं करते थे और उनके इलाके में रहने से मना करते थे। तो किन्नरों ने उसी गांव में अपना एक इलाका बना लिया था। जब किन्नर लोग देखते हैं कि एक गर्भवती महिला रोते रोते उनके इलाके में आ गई है, तो सारे किन्नर कमला के पास जाकर उसका हाल पूछने लगते हैं। क्या हुआ बहन, तुम्हारी गर्भवती अवस्था में इतनी बुरी हालत कैसे है? तुम रो क्यों रही हो? तुम डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम शांत होकर सब बताओ कि हुआ क्या है। मैं कमला हूँ, मैं गांव के दूसरे इलाके से आई हूँ। 2 महीने पहले ही मेरे पति की मौत हुई है। मुझे गांव के लोग मनहूस मानते हैं, क्योंकि मैं विधवा हूँ और गर्भवती भी। वहाँ के लोग मुझे खाने के लिए कुछ बेचने के लिए भी तैयार नहीं, जिससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं कमला, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। किन्नर लोग कमला को एक खाली घर में रहने के लिए जगह दे देते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। कुछ ही महीने बाद कमला अपने बच्चे को जन्म देती है। पर अफसोस, कमला बच्चे को जन्म देते ही अपनी जान गंवा देती है। जब सब किन्नर बच्चे को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा भी किन्नर ही था। कमला ने एक किन्नर बच्चे को जन्म दिया था। अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? हम तो इस बच्चे को गांव के दूसरे इलाके में भी नहीं भेज सकते। अरे तो क्या हुआ, इस बच्चे की माँ नहीं रही तो हम इसे पालेंगे? अब ये हमारे इलाके में रहेगा, हमारे साथ रहेगा। फिर वो किन्नर उस किन्नर बच्चे को गोद ले लेते हैं, उसका नामकरण कराते हैं। उस किन्नर बच्चे का नाम शक्ति रखा जाता है। देखते ही देखते शक्ति बड़ी होने लगती है। उसके रंग रूप बहुत सुंदर थे, वो बहुत सुंदर किन्नर दिखती है। एक दिन शक्ति एक किन्नर से पूछती है, माँ जी सुनिए ना, ये गांव के दूसरे इलाके में भी तो लोग रहते हैं, तो हम वहाँ क्यों नहीं जाते? हम उनसे अलग क्यों रहते हैं? शक्ति, क्योंकि वो लोग हमारे जैसे नहीं, वो लोग हमें पसंद नहीं करते, इसीलिए हम उनसे अलग रहते हैं। क्यों, वो हमें क्यों पसंद नहीं करते? मुझे एक बार उस इलाके में जाना है, मैं एक बार वहां जाकर घूम कर आऊं। शक्ति, खबरदार, जो तू उस इलाके में कभी भी गई तो अपनी जान नहीं गंवाना चाहती तो उस इलाके में कभी कदम भी नहीं रखेगी, समझी? इतना कहकर वो किन्नर वहां से चली जाती है। शक्ति उस किन्नर की बात सुनकर बहुत रोती है। माँ जी ऐसा कैसे कह सकती है, उन्होंने इतनी सी बात के लिए मुझे इतना डांटा, अब तो मैं उस इलाके में जरूर जाऊंगी। फिर एक दिन शक्ति गांव के दूसरे इलाके में चुपके से जाती है। ये लोग तो हमारे जैसे ही इंसान हैं, तो ये हमसे नफरत क्यों करते हैं? जब शक्ति उस इलाके में पहुंचती है तो गांव के सारे आदमी उसके रूप से मोहित हो जाते हैं। वो लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि वो किन्नर है। शक्ति की सुंदरता देखकर सारे गांव वाले उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी गांव का चक्कर लगाने गांव के जमींदार का बेटा हर्ष वहां पहुंचता है। हर्ष भी दिखने में बहुत सुंदर होता है। जब हर्ष ने शक्ति को देखा तो वो भी उससे मोहित हो गया, और जब शक्ति की नजर हर्ष पर पड़ी तो वो हर्ष को देखकर मोहित हो गई। आपको पहले कभी इस गांव में देखा नहीं, इस गांव में आप नए हैं क्या? जी नहीं, वो मैं बस। तभी शक्ति बोलते बोलते रुक जाती है और मन में सोचने लगती है, अगर मैंने इनको बता दिया कि मैं दूसरे इलाके से आई हूँ
तो वो समझ जाएंगी कि मैं किन्नर हूँ, इसलिए मुझे इनसे झूठ ही बोलना पड़ेगा। शक्ति हर्ष को कहती है, जी हाँ, मैं इस गांव में नई आई हूँ, यहाँ अकेली रहती हूँ। वैसे आप कौन है? आप भी इसी गांव में रहते हैं? जी हाँ, मैं इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बता देना, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे ही शक्ति और हर्ष एक दूसरे से रोज मिलने लगते। वो दोनों अपने प्यार का इजहार करने एक दूसरे से मिलने जाते हैं। तभी शक्ति का पीछा करते करते एक किन्नर वहां आ जाती है। शक्ति, शक्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हर्ष, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर मैं तुमको अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूँ जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी है। तभी उनके बीच में ही वो किन्नर आ जाती है। शक्ति, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो किन्नर शक्ति को खींचकर गांव के जमींदार के पास ले जाती है। हर्ष भी वहां शक्ति को बचाने के लिए पहुंच जाता है। जमींदार शक्ति और हर्ष के प्यार के बारे में सुनकर गुस्से में आ जाता है और शक्ति को गांव के बाहर निकालने की सजा देता है। शक्ति ये बात सहन नहीं कर पाती और कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। जमींदार हर्ष की शादी गांव की एक लड़की से करवा देता है, पर हर्ष इस शादी से खुश नहीं होता। शक्ति अपना बदला लेने के लिए मरने के बाद किन्नर चुड़ैल बन जाती है। अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, अब इनसे मैं अपने प्यार का बदला लूंगी। किन्नर चुड़ैल गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। एक बार वो रात को गांव के खेतों में पहुंच जाती है और वहां आग लगा देती है। सारी फसल जल के राख हो जाती है। जब एक आदमी रात को उठकर देखता है कि खेत में आग लग गई है, तो वो वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि खेतों के बीचों बीच एक किन्नर चुड़ैल खड़ी है और वहां खड़े होकर ताली बजा रही है। गांव वाला किन्नर चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाता है। जब सुबह उस आदमी को होश आता है तो वो सीधा जमींदार के पास जाता है। अरे जमींदार साहब, अरे वो किन्नर चुड़ैल ने मेरी सारी फसल चला दी, अब मैं क्या करूंगा, क्या होगा मेरा? जमींदार चुड़ैल किन्नर का नाम सुनते ही सब कुछ समझ जाता है। अब वो बहुत डर जाता है। उसी रात को जब जमींदार डर के मारे अपने कमरे में सो नहीं पाता, तभी वहां अचानक से किन्नर चुड़ैल आ जाती है। किन्नर चुड़ैल जोर जोर से जमींदार के आगे खड़ी होकर हंसने लगती है और ताली बजाने लगती है। जमींदार उस डरावनी किन्नर चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब मैं तुझे जान से मार दूंगी। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं कभी ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, अब तुम जो बोलोगी वही मैं करूंगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि किन्नर इलाका गांव के इलाके से जुड़े और गांव का कोई भी आदमी किन्नर समाज से द्वेष ना करे, उससे नफरत ना करे, नहीं तो मैं सारे गांव को मार दूंगी। और तुम गांव में एक नया कानून बनाओ कि अगर किसी ने भी किन्नर समाज को हानि पहुंचाने की कोशिश भी करी या इनसे भेदभाव करने की भी कोशिश करी, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं ऐसा ही करूंगा, तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा, पर मुझे जाने दो प्लीज। तब वो किन्नर चुड़ैल वहां से चली जाती है। गांव का जमींदार किन्नर चुड़ैल का कहा मानते हुए दोनों इलाकों को एक कर देता है और नया कानून भी लागू कर देता है। तब से वहां किन्नर समाज और बाकी गांव वाले शांतिपूर्वक रहने लगते हैं। रायदार बेटा, उठ जा नालायक, सुबह के 8 बजने को है, तुझे एग्जाम नहीं देना क्या? थोड़ी देर और सोने दीजिए ना बाबा। तू उठता है या फिर मैं तेरे ऊपर पानी फेंकू? रोज गधों की तरह सोता रहता है, पेपर की कोई टेंशन ही नहीं है। और एक हमारा समय था जब हम पेपर में फेल होने के डर से रात भर पढ़ा करते थे, सो ही नहीं पाते थे। तो क्या अब आप उसका बदला मुझसे लेंगे? मैं 15 मिनट बाद उठ जाऊंगा, प्लीज जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहकर रौनक रजाई ढककर फिर से सो जाता है। तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बस फिर क्या था,
इतना कहकर वो भागते हुए बाथरूम में जाते हैं और पानी की एक बड़ी सी बाल्टी लाकर रौनक के ऊपर फेंक देते हैं। पानी पड़ते ही रौनक झट से उठ जाता है। ये आपने क्या किया बाबा? अब तो उठेगा नहीं तो यही करना पड़ेगा ना। वैसे थैंक्स डैड, आपके कारण ना अब मुझे नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आप माँ से बोलकर मेरे कपड़े निकलवा दीजिए, तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ। वैसे कल ना आप एक काम और करना, नहलाने के साथ साथ मुझे ब्रश भी करवा देना। ये ब्रश करने में ना मुझे बहुत आलस आता है। रौनक की बातों से अरविंद का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी पत्नी कमला के पास जाता है और रौनक की हरकतों के बारे में बताता है, जिसे सुन उसकी पत्नी हंसने लगती है। तुम अपने बेटे को समझाने के बजाय हंस रही हो। रौनक बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, अब क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? अभी नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा, 10वीं क्लास में है रौनक, वो अब कोई बच्चा नहीं रहा। अरविंद की इतना बोलते ही वहाँ रौनक भी आ जाता है। क्या डैड, मैंने आपको एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ आपसे। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने डैड से बोला था कि वो आपको बोलकर मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल दे, लेकिन मेरे पीछे पड़ने के अलावा इनसे एक काम ढंग से नहीं होता। देख रही हो कमला, देख रही हो अपने लाडले को? अरे आप चुप रहिए जी। चलो बेटा मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर दे देती हूँ बस। ऐसे ही साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन रौनक के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। वो पहले से भी ज्यादा आलसी और पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर हो जाता है। 2 साल बाद पता नहीं कहाँ गायब रहता है पूरे दिन, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं उसकी, दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, आ जाएगा अभी। ये कोई टाइम है खेलने का? 10 बजने वाले हैं, इतनी रात में कौन खेलता है? कमला कुछ कहती उससे पहले ही रौनक वहां आ जाता है। मम्मी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम बता नहीं देते कि इतनी रात गए कहां से आ रहे हो। ओ प्लीज डैड, अब आप इसी पे प्रद्युमन बनकर मेरे सर पर बंदूक लेकर मत बैठ जाना। अपनी फालतू की बकवास बंद कर और बता कहां से आ रहा है। माँ अब समझाइए ना डैड को। बता देना बेटा, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। आप बोल रही हैं तो बता देता हूँ, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था इसलिए देर हो गई। तो तू इन सब चीजों में मेरे पैसे उड़ाता है? कभी 1 रुपया कमाने के बारे में सोचा है तूने? जवाब देखो, हवा की तरह पैसे उड़ाता रहता है। माँ अब आप इन्हें चुप करा दीजिए वरना ना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा क्या कर लेगा, बता ना क्या कर लेगा तू। वैसे बात तो ठीक ही है, मैं कर ही क्या सकता हूँ, पैसे तो फिर भी मैं आपसे ही मांगूंगा ना। चलिए अब ये सब बात छोड़िए और मम्मी मेरे लिए खाना लगा दीजिए। अभी लगा देती हूँ बेटा। मैं बता रहा हूँ कमला, एक दिन ये ऐसे ही बिगड़ जाएगा। उफो आप क्यों इतना पीछे पड़े रहते हो मेरे बच्चे के, बाद की बात में देखेंगे, अभी आप शांति से उसे खाना खाने देंगे। अगले दिन, डैडी मुझे 10,000 रुपए चाहिए। अब इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? डैड अब बिना सवाल किए कभी पैसे नहीं दे सकते क्या? जब तक तू बताएगा नहीं तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे अब आप अपने बेटे को पैसे भी नहीं दे सकते? नालायक, तेरी उम्र के लोग नौकरी करते हैं और एक तू है जो नौकरी करने का नाम ही नहीं लेता कभी। आप लोगों के होते हुए भला मैं नौकरी क्यों करूं? अरे हम कब तक पैसे देंगे तुझे, तुझे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा ना। कौन सा उधार के पैरों पर खड़ा हूं? अपने ही तो पैरों पर खड़ा हूं मैं। इसी तरह रौनक दिन प्रतिदिन लापरवाह होता जाता है। उसकी लापरवाही को देखते हुए अरविंद और कमला अपने बेटे की शादी कराने का फैसला लेते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर ही रौनक की शादी मेघा नाम की लड़की से करा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद, रौनक मुझे एक अच्छी सी साड़ी चाहिए, आप ला दोगे ना? हाँ क्यों नहीं, कितने तक की आती है साड़ी? यही करीब 5,000 तक की।
तुम चिंता मत करो, मैं आज ही डैडी से पैसे मांगकर तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा। आप कब तक ऐसे ही अपने पापा से पैसे मांगते रहेंगे? कोई अच्छे से नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? अरे डैड के होते हुए मुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? पर आप ऐसे कब तक उनसे पैसे मांगते रहेंगे? कुछ आपको अपने दम पर भी तो करना होगा ना। अब तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे ज्ञान देना शुरू मत कर देना। साड़ी चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएगी बस। इतना कहकर रौनक अपने पिता से पैसे मांगने चला जाता है। डैडी मुझे 5,000 रुपया चाहिए। अब 5,000 क्यों चाहिए तुझे? वो मेघा को साड़ी चाहिए थी। अरविंद आगे बिना कुछ कहे चुपचाप उसे पैसे निकाल कर दे देता है। कुछ दिन बाद, तुम्हें नहीं लगता कमला रौनक हम पर पहले से भी ज्यादा डिपेंड हो गया है? मुझे तो अब उसके भविष्य की चिंता होने लगी है। कल को हमें कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? काश तुमने पहले ये सोच लिया होता तो आज हमारा बेटा इतना लापरवाह नहीं होता। तब मुझे कहां पता था कि मेरा लाड़ प्यार उसे इतना बिगाड़ देगा कि वो इस हद तक लापरवाह बन जाएगा। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। मुझे पता है उसे कैसे सुधारा जा सकता है। कैसे? अरविंद कुछ कहता उससे पहले रौनक वहां आ जाता है और पैसों के लिए हाथ फैलाने लगता है। डैड मैं और मेघा बाहर घूमने जाना चाहते हैं। अरे वाह, याद सूरज कहां से निकला है? डैड प्लीज। अच्छा चलो अब मुद्दे की बात करो। मुझे अब 25,000 चाहिए। अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो कोई ढंग की नौकरी कर लो। मम्मी आप कुछ कहिए ना डैड को। बेटा वो गलत क्या बोल रहे हैं, ये सब हम तेरे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। मम्मा मैंने बताया ना आपको, मुझे नहीं करनी कोई जॉब वॉब। तो ठीक है निकल जाओ हमारे घर से। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैंने ये घर खड़ा नहीं किया है। जितना ये घर आपका है ना उतना ही मेरा भी है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो पड़ेगा ही तुझे, क्योंकि अब मैं तेरा कोई भी खर्चा नहीं उठाने वाला। ठीक है मत उठाइए मेरा खर्चा, मैं अपने दम पर भी जी सकता हूँ। तो बेशर्मों की तरह अब तक यहाँ क्यों खड़ा है? अपना सामान ले और निकल जाए यहाँ से। रौनक पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। घर से निकालना जरूरी है क्या उसे? बिना पैसों के कौन रखेगा उसे किराए पर? अगर उसका भविष्य सुधारना है तो हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कदम उठाना ही होगा। दोनों बात कर रहे होते हैं कि रौनक अपनी पत्नी के साथ एक बड़ा सा बैग लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन घर से बाहर उसे कोई भी मुफ्त में अपने घर किराए पर नहीं रखता। अंत में थक हार कर वो फिर से अपने घर चला जाता है। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो दहाड़ते हुए घर से निकला था, अब क्या हुआ? मैं ये रखा ना किसी ने तुझे किराए पर? डैड प्लीज मैं कुछ दिनों में कोई अच्छी सी नौकरी शुरू कर दूंगा, आप तब तक तो हमें रख लीजिए प्लीज। सुबह से रात हो चुकी है लेकिन कोई हमें रखने को राजी नहीं है। अब आप ही बताइए इतनी रात को मैं मेघा को लेकर कहाँ जाऊंगा? ठीक है बहू की वजह से मैं तुझे घर पर रख रहा हूँ, लेकिन तू इस घर में एक बेटे की नहीं बल्कि एक किरायेदार की हैसियत से रहेगा। 3 महीने है तेरे पास, इन 3 महीनों के अंदर अंदर मुझे तेरी पहली तनख्वाह हाथ में चाहिए, समझ गया? पक्का डैड, इन 3 महीनों के अंदर अंदर तो कोई बढ़िया सी नौकरी ढूंढ ही लूंगा मैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अरविंद के दिए 3 महीनों में से 2 महीने बीत चुके होते हैं। पापा जी ने हमें 3 महीने दिए थे जिसमें से 2 महीने तो बीत चुके हैं, अब ये आखिरी महीना बचा है। अरे तुम चिंता मत करो, आज मेरा ना 2 जगह इंटरव्यू है, दोनों में से कहीं ना कहीं तो जॉब लग ही जाएगी। अच्छा ऑल द बेस्ट। रौनक इंटरव्यू के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शाम में रौनक घर आता है। कैसा गया इंटरव्यू, आपकी नौकरी लगी या नहीं? अरे पहले सांस तो ले लेने दो अच्छे से। बताइए ना, मुझसे तो जरा भी इंतजार नहीं हो रहा है। वो दरअसल बात यह है कि मेरी नौकरी तो लग चुकी है लेकिन पैसे बहुत कम है। कितने पैसे हैं? 15,000। इतने में अरविंद और कमला मिठाई का डिब्बा लेकर आ जाते हैं। बधाई हो बेटा।
हम जानते थे तेरी जॉब जरूर लगेगी। लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है मम्मा। कम है तो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, हम तो बस चाहते थे कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मतलब अब आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे? नहीं, ये सब हमने तुझे जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए किया था। थैंक यू मम्मी पापा, अगर आप दोनों ऐसा नहीं करते तो मुझे कभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं होता। आज आपने मुझे सिखा दिया कि इंसान का अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी होता है। इतना कहकर रौनक झट से अपने माता पिता के गले लग जाता है और अपनी कमाई की पहली तनख्वाह वो अपने माता पिता के हाथ में सौंपता है। इस तरह रौनक एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति से एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है।